गाड़ी में, तो ये दूसरा रास्ता पाने जा रहा है शादी के अंसारी, तो अब ट्रैक्टर बुला लिया है, गाड़ी को बाहर निकालते हैं। ले भाई ट्रैक्टर ले आओ, रहा बैग बैग ला जाओ, मोटरसाइकिल टाइप दिया भाई। क्या कर रहे हैं? नहीं मांग रहे, नहीं मांग रहे, नहीं बस यहाँ 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 कर लो। यहाँ 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 भैया, अरे नहीं तिरछा नहीं, कितने का ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई, नहीं यार गया तो। हाँ रस्सा मांग रहा था जी, मांग रहा था रस्सा, क्यों पैर बांध दूंगा उस लेडीज का, गदन कटना जाए रस्ता दे, आओ रस्ता दे, दे रस्ता बिल्ला पड़े दे, चुंबक वाला रस्ता छोटा शाकिर पलटी मारनी वाला, पलटी मारनी गड्डी चल पड़ेगी वो, ज्यादा ना खिंचवा, चल पड़ेगी। पत्नी के झगड़े ने दो मासूम जिंदगियां छीन ली, वो जिंदगियां जिन्होंने अभी चलना सीखा था, अपने पैरों पर खड़े होकर कुछ करना चाहते थे, लेकिन माँ बाप के गुस्से की आंधी में ऐसा तूफान आया कि उन्हें अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। अंबाला की नरवाना नहर में कल कुछ ऐसा ही हुआ, जब पति पत्नी के झगड़े के बाद कुलदीप ने नहर में कार धकेल दी और अपनी पत्नी सहित अपने दो मासूम बच्चों की जान ले ली। पंजाब का रहने वाला कुलदीप सुबह ही लालडू के पास अपने गांव टिवाणा से अपने दो मासूम बच्चों के साथ तैयार होकर किसी काम से निकला था, लेकिन रास्ते में किसी बात को लेकर उसकी अपनी पत्नी कुलबीर कौर से बहस हो गई। दोनों गाड़ी से उतर गए और रास्ते में ही लड़ने लगे। 15 मिनट तक दोनों के बीच लड़ाई हुई। वहीं पास के नलके से उन्होंने पानी पिया और फिर नहर किनारे कार एक बार फिर से चल दी, लेकिन एक डैम से कुलदीप ने कार नहर की तरफ मोड़ ली। बच्चे चिल्लाते रहे लेकिन उनकी चीख पुकार किसी काम न आई और फिर दोनों मासूम जिंदगी की जंग हार गए। वो माँ जिसने उन्हें पाल पोस कर कुछ बनाने के सपने देखे थे, उसने भी उसी नहर में आखिरी सांस ली और कुलदीप ने भी अंत में दम तोड़ दिया। कुल मिलाकर कुलदीप और कुलबीर के झगड़े ने पूरा परिवार खत्म कर दिया।